Assalamu alaikum everyone, welcome to HK Journey, welcome to another beautiful day. This is me Khizra. तो जी ये मेरा एक दो नाम टूटे हुए हैं, उसको इग्नोर करें. क्या हाल चाल है आप लोगों का, कैसे हैं? दो हैं तो सुबह सुबह जी हमारे टेरेस पे कोई पेयर आया था बर्ड्स का. ये बहुत खूबसूरत है, देखें जरा कितना खूबसूरत है. तो मैं जैसे ही बाहर गई हूँ तो ये इस वजह से मम्मा का कितने ठीक है. थैंक यू बोल दो, बस थैंक यू बोल दो. नहीं अब जी हम देंगे हकान को नाश्ता. उठ चुका हो केक रस. उठो मुंह हाथ दो, उठो जल्दी उठो, आ जाओ आ जाओ. अब हकान ये लो मामा की तरफ से. लाला खुद पकड़ाओ ये लो. चलो अब कितने हो गए और आपके पास? तो ये जी हकान को मेरी तरफ से, अस्मा की तरफ से पैसे थे, भाई ने मामा ने रात को ही दे दिए था पापा वगैरह ने. और छोटना ने हमने वो सो गई थी तो फिर उन्होंने सुबह उठ के दिए. मेरी जो एक खाला नहीं आई थी, उनके बच्चों के एग्ज़ाम्स थे बोर्ड के, तो उन्होंने भी छोटनानों के हाथ ही भेज दिए थे. यहाँ पे जी सुबह फिर क्लीनिंग वगैरह और थी, सारी सफाइयाँ वगैरह करवा रहे थे. हालांकि रात को भी करवाई थी, एक दिन में तीन तीन दफ़ा सफाई हुई थी, फिर भी सुबह इतना गंद निकला. और उसके बाद जी भाई प्ले स्टेशन खेल रहा था. यहाँ पे पापा कुरान मजीद पहले पढ़ रहे थे, उसके बाद जी पापा मूवी देखने शुरू हो गए थे. हकान ने नाश्ता कर लिया था, बिस्किट्स वगैरह लिए थे साथ और केक रस लिए थे. थोड़ा सा दूध इसने छोड़ दिया था, इसकी तबीयत ख़राब थी, इसको बुखार हो गया था. सुबह छोटना ने जल्दी चले गई थी क्योंकि नाना अबू की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो भाई उनको जल्दी ही छोड़ने चला गया था सुबह. फिर जी मैंने इफ्तारी की तैयारी वगैरह की. छोटना को हमने कहा था कि आप रह लें, लेकिन ये कह रही थी कि मैं फिर आऊँगी इंशाल्लाह ईद के बाद, अभी रमज़ान है तो मुझे जाने दो अभी. तो यहाँ से जो छोटनान चली गई थी सुबह, जल्दी चली गई थी. उसके बाद मैं किचन में आ गई अफ्तारी का सामान बनाने के लिए. अफ्तारी में जी वही सब कुछ हम लोग बनाते हैं. यहाँ भलियाँ भिगो रही थी और भलियाँ पहले भिगो के रख देती ताकि सॉफ्ट हो जाए आराम से, और अगर टाइम कम हो फिर आप थोड़ा सा गर्म पानी डाल लें तो फिर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं. यहाँ पर मैं बेसन तैयार कर रही थी, आलू के जो कतले होते हैं, कतले कहते हैं कहीं उसे, आलू के पकौड़े कहते हैं, जो भी आप लोग कहते हैं वही. वैसे में सिर्फ हम लोग नमक डालेंगे, मिर्च डालेंगे, उसे पानी से मिक्स करेंगे और यहाँ पे गुट्टू हो जाएगा बेसन, यानी कि तैयार हो जाएगा. बस इतनी ही दो ही चीज़ें डलती हैं इसमें और कोई तीसरी चीज़ नहीं डलती. पानी इतना डालेंगे जिसमें अच्छी तरह से इसके लम्स जो है ना ये बेसन के, वो ख़त्म हो जाए, प्यारा सा बैटर तैयार हो जाए उसका. गरम लाला को चेक करो, लाला को बहुत ज़्यादा थर्मामीटर पता नहीं किधर है, लाइट ऑन करो ना मानो. चल रखी रखो भैया, हकान टेम्परेचर चेक कर रहा है. चलो जी हो गया, कितना है? शमशम हो रही है. तो जा रख क्या वापस? पापा भाई से बात कर रहे हैं. मैंने यहाँ पे आलू भी तैयार कर दिए हैं, बेसन भी तैयार कर दिया, भलियाँ भी भगो दी हुई हैं, और हकान के लिए मैं नूडल्स बना रही हूँ. और यहाँ पे जी आलू तैयार हो रहे हैं उसके लिए, दही बनो के लिए.
बाकी चीज़ें मैं बाद में करूँगी असर की नमाज़ पढ़ के। अस्मा सो रही है, उसे बुखार है और मामा जो है वो फ़ोन आ रहे हैं, मामा को किसी ना किसी का फ़ोन आ रहा है मुबारकबाद देने के लिए। मम्मा वहाँ पे बातें कर रही हैं, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मम्मा को फ़ोन आ रहे हैं, मम्मा बातें कर रही हैं कान की आमीन की मुबारकबाद देने के लिए रज़ा कुशाई की। तो बस जी कान को भी सुबह बुखार था, मैंने उसको मेडिसिन वगैरह दिया तो काफ़ी बेहतर है, वो चल फिर रहा है, ठीक हो गया। तो आपको पता जितनी देर मेडिसिन का असर है तब तक ठीक रहेगा। और अस्मा को बुखार है, बाकी आप लोग सुनाए, ये लोग से बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं यार, ऐसा क्यों है? जल्दी से जाएं, मेरे लास्ट जितने भी ब्लॉग्स हैं वो सारे देखें और बताएं आप लोगों को कैसे लग रहा है। उसमें मैंने थकावट इतनी हुई भी है कि इतने भी मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं कपड़े चेंज करूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं है, चिल सीन रहा है। नूडल्स यहाँ पर रेडी हो गए, मैं पान को भी देखती हूँ। आलू बैंगन तैयार हो रहे हैं, रोटी भी मम्मा पापा की तैयार कर रही हूँ, एक तैयार है, दूसरी तैयार करूँगी, रोल समोसे ये हैं और दही भरे तैयार है मटेरियल, और भाई धनिया लेके आया तो मैं उसकी चटनी, हिज धनिया आ गया, अब इसकी बनेगी चटनी, चटनी ख़त्म हो गई भी थी। और रोटी को ज़रा देख लेते हैं, इसको भी निकालते हैं, तैयार है ये भी, यहाँ भी जी रोटियाँ भी तैयार हैं, ये आलू वगैरह माशाल्लाह। चलो चलो चलो, बस नहीं आना चाहिए, बस ठीक है, पढ़ाई में चले जाना। तो इधर दो बात तो नहीं यार, ये कट करना पड़ेगा मुझे, दोनों हाथों से दबाओ, बनाने लगी है बस। और ये आ गई। अच्छा बताओ, आप डॉक्टर पे लेके गए हुए थे लाला को फिर नाना साथ? तो फिर मानिया उधर बैठा हुआ था, मैंने मेडिसिन लेने गया था, मानिया भी नाना को वापस भेज दिया घर। उसके बाद ना लाला की बारी आई तो अंकल ने पूछा आप कितने ईयर्स के हैं, लाला ने कहा 24, उन्होंने कहा लगता है मुझे अब 14 ईयर्स की है। फिर मैंने कहा नहीं नहीं मैं 24 ईयर्स की हूँ। तो फिर मैंने सारा कुछ बताया, फिर वापस इधर उठ गई हूँ, तुम 14 ईयर्स की हो। फिर कोई और आया, फिर लाला जो हम पर बेंच नहीं बैठे होते उधर, तो लाला ने मानिया से कहा कि सिर्फ, तो अंकल ने कहा आप दवाइयाँ नहीं खाती हो, डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि आप दवाइयाँ नहीं खाती हो, लाला ने कहा टैबलेट सिरप पीती हूँ, तो आप मुझे सच्ची में बच्ची रह गई। फिर आप वहाँ पे हंसे लाला पे ना, और बच्चे टीका लगा रहे, अंकल ने बच्चों को टीका लगा रहे थे, माना असमर यहाँ पर दूध का एक रस खा रही थी, इफ्तारी के टाइम भी रोज़ा, इसने इफ्तार है दूध से ही किया था और खजूर से। पापा जो थे वो सो गए थे, हकान पापा को दबा रहा था, बाजू दबा रहा था, पापा को थोड़ी सी आदत है कभी कभी दबाने की, तो हकान जी पापा का बाजू दबा रहा था। मैंने अपने लिए दूध और मूसली खाई थी, दिल कर रहा था मेरा कुछ खाने का, पहले मैंने थोड़े से दही भले भी खा लेते, वैसे मुझे शौक बिल्कुल भी यानी कि अच्छे भी नहीं लगते, नॉर्मल के खा लेती हूँ कभी कभी। और बस जी फिर मैं भी लेटने लगी थी, मैंने हकान को काम करवाना था स्कूल का, दो तीन दिन से ये पढ़ नहीं रहा था बिल्कुल भी, ये कैसी बातें निकाल रहा है। आज चल जी निकल, मम्मी ने मना, मम्मी ने मना, चलो बेटे आओ, ऐसे नहीं बोलते, जहर लगते हैं ऐसे बच्चे। आधा घंटा जी मैंने हकान को पढ़ाया था 12:15 तक, उसके बाद जो उसने दोबारा एलईडी देखी थी, कुछ कह रहा था मैंने कार्टून वगैरह देखने हैं, वो देखने के बाद जी तकरीबन कह लें कि 1:15 या 1:30 बजे हकान ने बंद किया, उसके बाद दूध वगैरह पिया और फिर सो गया था, और मैं भी साथ ही थोड़ी देर के लिए सो गई थी। फिर मैं उठी हूँ 3:30, 3:30 उठने के बाद जी सबसे पूछा कि किसने क्या क्या खाना और क्या क्या नहीं खाना। आसमा और मम्मा सपारा पढ़ रही थी, आसमा शान रमज़ान देख रही थी, साथ साथ तस्बीह करती है वो इस टाइम पे। और मैंने जी फिर सबसे पूछा कि क्या का खाना, भाई अभी सो रहा था, पापा उठ गए थे और मम्मा कह रही थी आज हम लोगों ने अंडे ही खाने, आसमा ने भी अंडा खाना था, भाई ने भी अंडा खाना था, मैंने सिर्फ दही खानी थी एलर्जी की वजह से, पापा ने चाय, पापा ने भी अंडा नहीं लिया था,
और यहाँ पे जी सबको मैं नमक मिर्च वाले अंडे बना के दे रही थी। आप लोग बताएं आप लोगों के घर में सहरी में क्या बनता है। माशाल्लाह से कह लें कि 12 रोज़े गुजर भी गए हैं और पता भी नहीं चला। एक दो दिन दरमियान में गर्मी के थे, लेकिन अब फिर से दोबारा से गर्मी आना शुरू हो गई है। काफ़ी गर्मी लगती है सहरी के टाइम भी, इफ्तारी के टाइम भी। जब आप किचन में जाते हैं तो बस यही मसरूफ़ी आता है दिन में। हकान की 2 दिन छुट्टी थी स्कूल से, एक दिन मैंने खुद करवाई थी जिस दिन मैंने उसका रोज़ा रखवाया था, रोज़ा कुछ आई थी जिस दिन। तो बस यही चल रहा आजकल। तो आप लोग बताएं आप लोगों ने ईद की तैयारियां कर ली हैं कि नहीं की? आप लोग पहले करते हैं कि बाद में करते हैं? हम लोग तो सारा कुछ ले आए हुए हैं। पहले मैंने वो शॉपिंग व्लॉग्स जो लगाए थे ऑलमोस्ट सब कुछ डन है हमारा। बस कह लें कि एक आधे चक्कर और लगेगा तो लगेगा, वरना सब कुछ डन है हम लोगों का ईद का। यहीं से जी व्लॉग का एंड होता है। होप कि आप लोग को व्लॉग जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। बाय बाय।